बात साफ आपको यहां पर दिखाई जाएगी कि सन 2013 से सन 2018 के बीच में 70 लाख मतदाता बढ़ गए हैं। इसके हिसाब से यह देखा जाना चाहिए कि लगभग 15 लाख वोटर्स हर साल बढ़ने चाहिए, पर और जांच के बाद पाया गया कि सन 2017 से 18 के बीच में कुल 5 लाख वोटर बढ़े, सन 2016 से 17 के बीच में भी 5 लाख ही बढ़े, पर 2013 से लेकर 2014 लोकसभा चुनाव के बीच में 25 लाख वोटर बढ़ गए, और 2013 से लेकर फिर से 2018 के बीच में 70 लाख वोटर बढ़ गए। जब इसकी और जांच की गई तो यह पाया गया, जैसा सर ने बताया, कि बहुत सारी गड़बड़ियां हैं। मुख्य तौर पर आज मुख्य निर्वाचन अधिकारी को यह बताया गया कि भाई आज अगर कोई आपसे पूछे कि राजस्थान में टोटल मतदाता कितने हैं, तो वेबसाइट पर इसकी कोई मालूमात नहीं दी गई है। मतलब आप चुनाव लड़ने जाओ पर आपको नहीं पता कि कितने लोग वोट करेंगे, कितने लोग वोट कर सकते हैं। इस तरह की बहुत सारी बड़ी गलतियां, और हर प्रदेश में अलग अलग स्टैंडर्ड लिए गए हैं, उसकी जानकारी आज हमने मुख्य निर्वाचन अधिकारी को दी। इसके अलावा एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो पनप रहा है कि आप इस तरह का एनालिसिस ना कर पाए जो कि अभी सर ने आपके सामने रखा, और जो राजस्थान के मतदाताओं को जागरूक करने के लिए बहुत मददगार साबित होगा। उसके लिए उन्होंने कुछ राज्यों में, मध्य प्रदेश में इन पर्टिकुलर, उस डाटा को इस तरीके से कमजोर कर दिया कि आपको 2 साल लगेंगे इस तरीके के काम करने को, जबकि वो कहते हैं कि हम एक ही टाइप का यार्डस्टिक, या कि मतलब एक ही तरह का काम हर सीओ ऑफिस स्टेट के में काम करने के लिए कटिबद्ध है, नियम भी है, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। जब सर वहां भोपाल में थे तो एक एप्लीकेशन दी, तो वहां के डिप्टी सीओ ने यह बोला कि हमको ऊपर से निर्देश आए, 3 दिन लग गए इसको खराब करने में, और अब हमने वेबसाइट पर चढ़ा दिया। आज जब मुख्य निर्वाचन अधिकारी जी से हमने बोला कि हम प्रूफ कर सकते हैं कि यह टेक्स्ट फाइल है, तो उन्होंने बोला कि नहीं भाई, मेरे पास समय नहीं है, दूसरी मीटिंग है। तो सबसे पहले मतदाता का ये जो मुद्दा है कि अपनी मर्जी से मतदाता बढ़ाओ, अपनी मर्जी से मतदाता घटाओ, आरटीआई लगाएं तो इंफॉर्मेशन मत दो, और अगर वो ज्यादा हो तो कह दो कि ये क्लेम भी बोगस है। 1 साल 5 साल में 70 लाख मतदाता बढ़ जाते हैं ईयर ऑन ईयर, जिसको कहते हैं कि हर साल कितनी प्रतिशत में वृद्धि हुई, उसको 3% के ऊपर की वृद्धि है जो किसी भी डेमोक्रेटिक वर्ल्ड में नहीं देखी गई है। आप लोगों के माध्यम से अगर यह बात सुचारू रूप से प्रदर्शित की जा सकती है जनता के सामने, तो यह बहुत बड़ी मदद होगी। मैंने आज एक सॉन इन एफिडेविट पर यह सारी इंफॉर्मेशन ली, और मुख्य निर्वाचन अधिकारी को यह भी बताया कि यह जो भी जानकारी है आपकी वेबसाइट से ही ली गई है, ये जो भी फिगर्स हैं वो आपने जो काम नहीं किया वो हमने करके दे दिया। धन्यवाद। आपके सामने रखी है डिटेल में, और मध्य प्रदेश का जब इश्यू आया था आप लोगों ने उसको बहुत पहचानिश किया, पूरे कंट्री में उसका एक इम्पैक्ट पड़ा, क्योंकि करीब करीब सभी राज्यों से शिकायत आती है कि अगर वोटर लिस्ट ही फेक होगी, डुप्लीकेट होगी, तो डेमोक्रेसी के मायने क्या रहेंगे। जिस मुल्क में एक वोट से हमारे सीपी जोशी जी चुनाव हार गए, एक वोट से, और एक वोट से वाजपेयी जी गवर्नमेंट चली गई, वाजपेयी जी गवर्नमेंट चली गई, एक वोट से भारत सरकार चली गई हो, उस मुल्क में जो है, उस मुल्क में आप बताइए कि एक वोट से, एक वोट क्या कीमत है, कितनी बड़ी कीमत है। तो विवेक तनखा साहब ने जो बात उठाई है, जैन साहब ने जो सपोर्ट किया है, ये बहुत गंभीर मामला है, ये डेमोक्रेसी को बचाने का मामला है, ये कोई राजस्थान की या मध्य प्रदेश की बात नहीं है। जैन साहब का तो कमिटमेंट है, इसलिए वो एफिडेविट दिया है कि किस प्रकार की गलतियां हो रही है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि ये बहुत गंभीर मामला है, और मुझे पूरा यकीन है कि इस मुल्क की प्रेस जो है, खाली दिल्ली की नहीं पूरे देश की प्रेस और मीडिया किसी रूप में काम कर रहा हूँ, उसको बहुत गंभीरता से इश्यू को उठाएगा, जिससे कि राज्यों में भी और जिलों में भी सबकी आंखें खुले कि वास्तव में हो क्या रहा है। मशीनरी जिनकी होती है वो अपने हिसाब से इसको मैनेज कर रहा है। ईसीआई को हमने कहा है कि ये ईसीआई को तो हमने क्या कहा, बहुत अच्छे ढंग से बात हमारे सब साथियों रखी वहां पर,
तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को चाहिए इस बात का एहसास सके कि इस देश के अंदर कांग्रेस सरकार नहीं है, यूपी गवर्नमेंट नहीं है, इस देश में वो लोग आ गए जो फासिस्ट ही है, जिनका लोकतंत्र में कोई यकीन नहीं है। इसलिए किसी भी हद तक जाकर के, ये तो आपको अभी सैंपल बताए गए हैं, ये सैंपल बताए गए हैं, और क्या हालात वो करते हैं जिलों के अंदर कोई कल्पना नहीं कर सकता। ये शिकायतें पहले से भी आती थी। ये तो भला हो जैन साहब कहा कि उन्होंने वेबसाइट को लेकर के विश्लेषण करके अब कंप्यूटर का जमाना आ गए तो आपके हम रख दिया है, वरना ये शिकायतें हम लोग भुगतने गए सालों से, कोई नई बात नहीं है। वे पर आज पहली बार मध्य प्रदेश के बाद में राजस्थान का जो इश्यू बना है उसको आप सबको गंभीरता से समझना चाहिए, खोज करनी चाहिए और देश के सामने रखना चाहिए। चाहे कोई वोटर हो, किसी पार्टी का हो, कांग्रेस का हो, बीजेपी का हो, सीपीआई सीपीएम का हो, और किसी पार्टी को कोई मतलब नहीं है। तो वोटर जो है अगर फेक होगा, डुप्लीकेट होगा, आप सोच सकते हो कितना बड़ा, भाई साहब बोलूँ मैं तो, कितना बड़ा नुकसान हो सकता है कोई कल्पना नहीं कर सकता। इसलिए मैं आपको निवेदन करना चाहूँगा, एक बहुत बड़ा इश्यू है, इसको आप उसी गंभीरता से लें। दूसरा जो है, राज्यों में सरकारें जो बैठी हुई है उनका ध्येय, उनको इंस्ट्रक्शन से मिले हुए हैं इस काम को ऑर्गेनाइज वे में करें, वो लोग ऑर्गेनाइज वे में कर रहे हैं, संगठित रूप में कर रहे हैं। इसलिए पूरा देश चिंतित थे कि अगर ये हालात रहे और जो बिहेवियर चल रहा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, एनडीए गवर्नमेंट का और मोदी जी का, अमित शाह जी का, दो लोग राज कर रहे हैं देश के अंदर, भी सिर्फ दो लोग राज कर रहे हैं, ये हमने अपने जीवन में पहली बार देखा है। इस मुल्क में दो लोगों का शासन है पूरे देश के अंदर, इतनी बड़ी डेमोक्रेसी होने के बावजूद भी चिंता कर रहे हैं कि अगली बार अगर हम कहते हैं कि इनको सब लोग मिलकर के इनको हम डिफीट करेंगे, ऐसे लोगों कभी कामयाब होने देंगे नहीं, ऐसे लोग कामयाब होंगे पता नहीं डेमोक्रेसी देश में बचेगी नहीं बचेगी, ये चिंता हम सबके लिए होनी चाहिए। उसकी शुरुआत की गई है, ये जो बताया तिनका साहब ने आपको, कृपा करके आप इस पर ध्यान दें, ये बात मैं करना चाहूँ। धन्यवाद। मध्य प्रदेश में जब सर्वे हो रहा था ड्राफ्ट वोटर लिस्ट बनाने का, उस वक्त हम लोग खड़े हो गए और हमने बताया था कि देखिए 65 लाख हमारे अनुमान है, आपके पास डुप्लीकेट वोटर्स हैं। मुझे चिट्ठी भेजी उन्होंने इलेक्शन कमीशन में कि मिस्टर तनखा, योर चार्ज इज अनसबस्टेंशिएटेड, ये मुझे भेजी उन्होंने चिट्ठी। और जिस दिन, अभी 6 दिन पहले जब उनकी वेबसाइट पे डिलीशन का नंबर आया, क्या आया, 24 लाख नाम डिलीट हुए। If Mr. Tanka was unsubstantiated, तो 24 लाख डिलीट हो सकते थे। That's what I'm saying कि अपने अपने they should be magnanimous to accept their mistake. हम नहीं कह रहे कि mistake नहीं हो सकती है, but you have to, अगर mistake हुई है, then provide us the facility to reach you and to correct that mistake. That's all I want to say. Gehlot साहब have very clearly articulated what we said today to the Election Commission, but the point to note is that in the website of the Election Commission itself, these are not numbers and data that we have manufactured or borrowed. This is the official website of the Election Commission. The increase in the number of voters is 70 lakh. It seems improbable that in a 4 to 5 year time period, that many new voters can be increased in a state. And the redundancies and the duplicacies that we have found out from the Election Commission's website are very well illustrated in the affidavit that Mr. Jain has filed. We believe that the number of voters who are in the same place is in lakhs. Number of people with the same voter ID is in tens of thousands. So approximately 45 lakh such voters, we believe, need to be verified. Whether they are fake or not, authentic or not, that job is with the Election Commission. And like Ashok Gehlotji was saying, the foundations of our republic rest on the authenticity of the process of electioneering. If the voter lists are not satisfactorily updated or are inflated or are wrongly deleted, it causes great aspersions on the process itself. Therefore, to maintain the sanctity of what we believe is the heart of our democracy is that there should be genuine voter lists. Now, the two yardsticks in Madhya Pradesh, they have put up the total number of electors. In Rajasthan, it is missing. So people are suspecting that they want to keep an elbow room of adding and deleting as the time comes closer to the elections.
वी हैव वेरी क्लियरली आस्क्ड फॉर डुप्लीकेट नेम्स टू बी रिमूव्ड, क्लियरली आस्क्ड फॉर सेम एड्रेस ऑफ टेन्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल इन अ फ्यू हाउसेज. इट इज ऑलमोस्ट इम्प्रैक्टिकल. द इलेक्शन कमीशन टू माई माइंड मस्ट गो स्विफ्टली इन टू एक्शन, सेटिस्फाई द क्वेश्चन दैट द कांग्रेस पार्टी इज रेज्ड, एंड बिफोर द इलेक्शन आर ड्यू दे मस्ट स्क्रब क्लीन एंड ट्रांसपेरेंटली अपलोड द एक्चुअल वोटर्स दैट एग्जिस्ट इन राजस्थान. 21st of August is the last day to file such complaints. So today, from our party's side, we have given the official complaint in a CD form of the entire voter elected, where we feel there is redundancy, duplicacy, and same house having tens and hundreds of people living in the same residence, which is impractical. Therefore, 21st August से पहले हम लोगों को अपनी complaint करनी थी. हमने यहाँ आज करी है. कल परसों हम लोग जयपुर में भी करेंगे, पूरे प्रदेश में करेंगे. लेकिन हमें लगता है कि मतदाताओं की सूची में अगर इतना ज्यादा विस्तार हो रहा है और हम लोग इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से वो पते, नाम, उम्र, पिता का नाम, वो सब आंकड़े मैच कर रहे हैं और हजारों लाखों नाम, पिता का नाम, उम्र और पता वही आ रहा है, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इसमें संदेह मालूम पड़ता है. इसलिए हम लोगों ने आज आग्रह किया है और पूरी पार्टी के तमाम नेतागण जाकर आज इलेक्शन कमीशन के सामने हम प्रस्तुत हुए. हमने मौखिक रूप से और लिखित रूप से सारी आशंकाओं को आज विस्तार से उनके सामने रखा है. रावत साहब ने हमको अशोर किया है कि वो तुरंत प्रभाव से इस पर कार्रवाई करेंगे. लेकिन मैं आपके माध्यम से आग्रह करना चाहता हूं कि कार्यक्रम और कार्रवाई समय सीमा के तहत होनी चाहिए. ऐसा ना हो कि बाद में कहा जाए कि अब समय कम रह गया, हम इसी वोटर लिस्ट को ऑथेंटिक मान लेंगे. इसलिए बड़ा गंभीर मसला है और मैं चाहता हूं कि पूरा प्रदेश और देश इसको सीरियसली नोट करे. अब एक प्रावधान और है कि जो पार्टी का बूथ लेवल एजेंट होता है उसके पास ये पावर है कि वो एक बार में सिर्फ 10 मतदाताओं का नाम कटवाने की रिक्वेस्ट कर सकता है. लेकिन अगर एक विधानसभा क्षेत्र में अगर 30,000 फर्जी मतदाता हैं तो कितने दिन हमारे बीएलए जाएंगे, रोज कटवाएंगे, उतना समय नहीं रहा है. और ये इलेक्शन कमीशन का जो कानून है उसमें लिखा है कि आप 10 से ज्यादा नाम एक बार में नहीं कटवा सकते हैं. लेकिन जहां हजारों की संख्या में डुप्लीकेसीज आ रही है उसमें तो लाखों की संख्या में, उसमें सुओ मोटो इलेक्शन कमीशन को इसमें फर्स्ट मूव करना पड़ेगा. और अब 21 अगस्त लास्ट डेट है. हम लोग कोर्ट के माध्यम से भी पूरी जानकारी देंगे. तनखा साहब जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, हमने निर्वाचन आयोग में आज दिया है, परसों हम जयपुर में करेंगे. तो हम एक मुस्तैद और एक जागरूक पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ रहे. लेकिन हम चाहते हैं कि पूरे देश और दुनिया समझे कि ये प्रोसेस स्क्रूटनी हो रहा है. और आज रावत जी ने हमको स्पष्ट रूप से कहा है कि हमारी कंप्लेंट्स पर गंभीरता से कार्रवाई करेंगे. लेकिन मैं उनसे आग्रह करूंगा आपके माध्यम से कि एक सुनिश्चित समय सीमा के तहत ही कार्यक्रम करके पूरे देश को बताएं कि उन्होंने क्या कदम उठाए हैं.